हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने कंट्रोल पैनल एवं उसमें लगने वाली सहायक सामग्री के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त वायरिंग सामग्री के बारे में जानेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रेसवे या केबल चैनल, दूसरा डिन रेल, तीसरा टर्मिनल कनेक्टर, चौथा थिम्बल, पांचवा लग्स, छठवा फेरूल, सातवा केबल बाइंडिंग स्ट्रैप या केबल टाई, आठवा क्लिप्स, नौवा स्लीव, दसवा ग्रोमेट। सर्वप्रथम हम रेसवे या केबल चैनल को देखेंगे। चित्र में जो ये दिखाई दे रहा है यह रेसवे है, या इसे केबल चैनल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वैद्युतिक कंट्रोल पैनलों की वायरिंग में तार या केबल की स्थापना हेतु प्रयुक्त एक बंद रास्ता या इसे रेसवे कहते हैं। यह तार केबल की ऊष्मा या नमी, जंग, यांत्रिक चोट आदि से कंट्रोल पैनलों की सुरक्षा करता है। यह लोहे अथवा पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाई जाती है। स्ट्रेट रेसवे के अतिरिक्त फ्लेक्सिबल रेसवे भी बनाई जाती है। फ्लेक्सिबल रेसवे पीवीसी या एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। अब हम देखेंगे डीआईएन रेल। डिन शब्द जर्मनी के डचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मिंग का संक्षिप्त रूप है। यह एक मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय जर्मन संगठन है। वर्तमान में इसके लगभग 30,000 डिन मानक हैं। इस प्रकार के रेल या चैनल का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के इस संस्थान ने ही किया था। इस धातु का एक चौड़ा ट्रैक होता है जिसे कंट्रोल पैनल के अंदर लगाया जाता है। यह ठंडी अवस्था में कार्बन इस्पात से रोलर मशीन पर तैयार किया गया टॉप हेड सी तथा जी आकृति का रेल या चैनल होता है। इसका उपयोग कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर तथा अन्य कंट्रोल युक्तियां स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे टर्मिनल कनेक्टर। केबल्स के टर्मिनल को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति टर्मिनल कनेक्टर या कनेक्टर कहलाती है। यह बेकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है। उच्च वोल्टता 500 वोल्ट से अधिक पर कार्य करने वाले कनेक्टर की बॉडी चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन से बनाई जाती है, जिससे कि वह तापमान सह सके। अब हम थिम्बल की बात करेंगे। कई तारों को ऐड कर बनाए गए केबल स्टैंडर्ड केबल कहलाता है। धातु छल्ला होता है जिसे किसी कास्ट आदि से बने हैंडल को फटने से बचाने के लिए उसके एक सिरे पर लगाया जाता है, जैसे फाइल, छेनी, हेक्सा फ्रेम आदि के हैंडल के आंतरिक सिरे पर लगा छल्ला फेरूल कहलाता है। लकड़ी के हैंडल वाले पेचकस के आंतरिक सिरे पर भी फेरूल का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे केबल बाइंडिंग स्ट्रैप या केबल टाई। वैद्युतिक उपकरणों, कंट्रोल पैनलों आदि की आंतरिक वायरिंग में केबल को ढीला या लटकता हुआ नहीं छोड़ा जाता। यथासंभव केबल को उपकरण की चेसिस अथवा पैनल पर सटाकर स्थापित किया जाता है। ढीले या लटकते हुए तारों केबल्स को टूटने की संभावना बनी रहती है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण अन्य परिपथों से अनावश्यक रूप से उनमें विद्युत वाहक बल एवं धारिता उत्पन्न हो सकती है। अतः केबल्स को चेसिस पैनल से सटाकर रखने के लिए लोहे, पीवीसी के क्लिप्स तथा पीवी से निर्मित बंधक फीते प्रयोग किए जाते हैं। अब हम क्लिप की बात करेंगे। क्लिप को धातु द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके अंतिम सिरे पर उपयुक्त अचालक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसकी सहायता से क्लिप को जोड़ा या हटाया जाता है। कभी कभी कई टर्मिनलों को दिन में कई बार हटाना तथा जोड़ना पड़ता है। अतः इस प्रकार के कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के क्लिपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, हमें बहुत सारी बैटरियां चार्ज करनी रहती, तो इस तरह की क्लिप हमें वहां पर देखने को मिलती है। अब हम स्लीव की बात करेंगे। वैद्युतिक उपकरणों, पैनल, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि की वायरिंग एवं वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाली स्लीव एक महत्वपूर्ण युक्ति है। यह पीवीसी अथवा एम्पायर क्लॉथ से निर्मित एक नली के रूप में होती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं।
इसके माध्यम से तार या केबल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब हम ग्रोमेट की बात करेंगे। यह एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका प्रयोग धातु चादरों से निर्मित उपकरणों की बॉडी, कंट्रोल पैनल आदि के छिद्रों में से केबल को गुजारते समय किया जाता है। अर्थात ग्रोमेट एक रबर की युक्ति है जिसे कंट्रोल पैनल के छिद्र से गुजारकर एक अचालक मार्ग बना दिया जाता है जिसमें से केबल को आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। ग्रोमेट का प्रायः रबर अथवा पीवीसी से बनाया जाता है जिससे कि इसे दबाकर छिद्र में फंसाया जा सके। ग्रोमेट का आकार कंट्रोल पैनल या अवयव के छिद्र के आकार पर निर्भर करता है। छत के पंखे की स्थापना में भी छत से लटकते हुए हुक पर एक ग्रोमेट का प्रयोग किया जाता है जो पंखे को अनावश्यक वाइब्रेशन से बचाता है और पंखों की ऊपरी छड़ को अच्छी पकड़ प्रदान करता है।